आज हम बनाएंगे कांदा पोहा। तो चलो देखते हैं कांदा पोहा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम जाड़े पोहे, तेल, हल्दी, राई, चीनी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, 2 मीडियम साइज़ के कांदे, 1 नींबू, थोड़ा सा हरा धनिया और 1/2 कप सेंगदाने लिए हैं। अभी हम पोहों को 2 बार साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे और छन्नी में निथारने के लिए रख देंगे। पोहों को पानी में ज़्यादा देर तक ना रखें वरना पोहे टूट जाएंगे। ये देखिए हमने पोहे अच्छे से धो लिए। अभी हम कांदा, हरी मिर्ची और हरा धनिया कट कर लेंगे। कांदे को पतला लंबा कट कर लेंगे और हरी मिर्ची भी मोटी मोटी कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे और सेंगदाने फ्राई कर लेंगे। सेंगदानों को 5 मिनट तक धीमी आंच पे हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई करें। सेंगदाने फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में अब हम 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। राई चटकने के बाद 15 से 20 करी पत्ते डालेंगे, फिर कांदा और हरी मिर्ची डालेंगे। कांदे को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 5-6 मिनट तक ही पकाना है मीडियम आंच पे। ये देखिए प्याज हमारी पक गई है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक को भी अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमने पोहे धो के रखे थे कितने अच्छे से फूल गए हैं। अभी इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और हल्के हाथ से लूज़ कर लेंगे। अभी इन पोहों को कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। पोहों को मिलाने के बाद इसमें 1 टीस्पून के जितना पानी छिड़केंगे और कटा हुआ हरा धनिया डाल के धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। एक मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस और फ्राई किए हुए सेंगदाने डालकर अच्छे से मिला लेंगे और गरम गरम कांदा पोहा सर्व करेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।